कहने को तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एक एमपीवी है और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एक एसयूवी, लेकिन इन दोनों गाड़ियों के फॉर्मूलाज जितने अलग है उतने ही है समान। बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, रियर व्हील ड्राइव, पेट्रोल डीजल, मैनुअल ऑटोमेटिक, और दोनों गाड़ी 6 से 7 लोगों को बिठाते भी है। अपनी नई जनरेशन में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा मेच्योर और ज्यादा प्रीमियम बन गई है। तो क्या अब इन दोनों गाड़ियों के बीच में क्रॉस शॉपिंग की गुंजाइश है, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी किस यूजेज के लिए बेहतर साबित होती है, यही जानते हैं आज के स्पेशल कंपैरिजन रिव्यू में। अब महिंद्रा के प्रमोशंस में आपने ये नोटिस किया होगा कि उन्होंने स्कॉर्पियो एन को बार बार बिग डैडी नाम से पुकारा है। वैसे कॉलेज में मेरा निकनेम वही था, और वजह यह है कि वाकई ये एसयूवी साइज में काफी बड़ी है। लंबाई में यस द इनोवा इज अ लिटिल बिट लॉन्गर, और व्हील बेस दोनों में समान है 2750 मिलीमीटर की, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में स्कॉर्पियो इनोवा से बड़ी है। इनफैक्ट यहां पर हम कंपैरिजन ऑफ कोर्स कर रहे हैं इनोवा क्रिस्टा के साथ, लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर के साथ भी कंपेयर करेंगे तो लंबाई के अलावा हर एक डायमेंशन में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है। तो अपने इस बड़े साइज और ओल्ड स्कूल डिजाइन, एसयूवी बॉक्सी डिजाइन के साथ स्कॉर्पियो एन के साथ आपको बेहतर रोड प्रेजेंस जरूर मिलता है, लेकिन इस स्कॉर्पियो एन पैकेजिंग के साथ डिजाइन को थोड़ा और अर्बन फ्रेंडली भी बनाया गया है। अब इनोवा क्रिस्टा का ये वर्जन प्री फेसलिफ्ट है, फेसलिफ्ट के साथ ज्यादा स्टाइलिश जरूर बन चुकी है। अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी हमारे पास नहीं है, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं है, आपको अलग सा एक ग्रिल डिजाइन दिखाई देगा और साइड प्रोफाइल में ज्यादा स्टाइलिश दिखने वाले 2-टोन अलॉय व्हील्स। इन व्हील्स की बात कर ही रहे हैं तो इनोवा के टॉप एंड मॉडल में ये 17 इंच के हैं, जहां स्कॉर्पियो में ये 18 इंच के हैं। एलईडी डीआरएल्स और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दोनों के साथ मिलते हैं, और स्कॉर्पियो में फॉग लैंप्स भी एलईडी प्रोजेक्टर टाइप है। चलो अब अंदर की बात। स्कॉर्पियो एन में साइडवेज ओपनिंग टेलगेट अब भी मिलता है, और अंदर से खोलने के लिए डोर हैंडल भी है, पर सीट्स ये तो फ्रंट फेसिंग है, और इन फ्रंट फेसिंग सीट्स के पीछे बूट स्पेस ना के बराबर है। बैकपैक्स या सॉफ्ट बैग्स और बात खत्म। थर्ड रो सीट आगे की तरफ फोल्ड हो जाती है, और फिर आप फिट कर पाएंगे एयरपोर्ट साइज सूटकेसेस या वीकेंड ट्रिप का सामान। बूट फ्लोर भी फ्लैट या फ्लश नहीं है, तो बैग्स को बिठाना थोड़ा मुश्किल जरूर साबित होता है। इनोवा में थर्ड रो के पीछे एक फुल साइज सूटकेस और ट्रॉली बैग फिट हो जाता है, और सीट्स को फोल्ड अप कर दे तो जगह भरने के लिए बैग्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये राउंड इनोवा जीती। फ्लोर हाइट तो दोनों में ऊंची है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में साइड स्टेप के बिना चढ़ना उतरना काफी मुश्किल है। चलिए बात करते हैं कैबिन स्पेस के बारे में, और शुरुआत करते हैं थर्ड रो के ऑफ द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अब ड्राइवर सीट जो है हमने सेट की है एट द हाइट ऑफ समवन हु इज 5'9" यानी तरुण। सेकंड रो में मैं बैठा हूं विद माय हाइट ऑफ 6.5 feet, और लास्ट रो में बैठे हैं तरुण। अब थर्ड रो में पहुंचने के लिए आपके पास इस कैप्टन सीट ऑप्शन के साथ 2 अवेलेबल ऑप्शंस है, यानी आप चाहो तो लेफ्ट साइड की सीट को 1 touch टंबल फॉरवर्ड करके अंदर चढ़ सकते हैं, या फिर कैप्टन सीट के बीच में से चल के आप थर्ड रो तक पहुंच सकते हैं। एक चीज जो अभी आपको बताना पड़ेगा वो ये है कि कैप्टन सीट हो या फिर 7-seater वर्जन जिसमें बेंच टाइप सीट मिलता है, सेकेंड रो के सीट्स स्लाइड एडजस्ट नहीं होते हैं। तो समझ लीजिए आप गाड़ी में सब के सब लंबे लोग हैं, फिर थोड़े भी लंबे लोग होंगे, और आप सेकेंड रो को थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि थर्ड रो में थोड़ी और स्पेस मिल जाए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्कॉर्पियो एन नहीं देती है। तरुण, वैसे थर्ड रो का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? थर्ड रो का जो बैक रेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका सीट बेस जो है वो काफ़ी छोटा है, एंड ये बूट्स फ्लोर से इतना काफी करीब है, तो उसके वजह से मेरे पास इधर स्पेस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। आप देख सकते हो कि अंडर थाई सपोर्ट कुछ खास नहीं है, एंड जो मेरी नीज है, नी रूम भी कुछ खास नहीं है, इधर ऑलमोस्ट टच हो रहा है बैक सीट को, लेकिन हेड स्पेस इधर काफ़ी अच्छा है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओवरऑल अगर मेरे को सम अप करना है थर्ड रो का एक्सपीरियंस, तो मेरे जैसे एवरेज साइज एडल्ट्स के लिए मैनेजेबल है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव्स की बात करें तो वहाँ पे मेरे से छोटे हाइट वाले या फिर बच्चे ही बेटर रहेंगे। और एक बात बताने जाए तो फिर यस, आपको थर्ड रो में एक काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया मिल जाता है, लेकिन वो विंडो ओपनेबल नहीं है, और साथ में अमेनिटीज़ की बात करें तो यस, आपको इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगे, आपको पीछे एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी मिल जाता है अगर आपको चार्जिंग करना हो, 2 फोन स्लॉट्स भी मिल जाते हैं अगर आपको कुछ स्टोरेज के लिए जगह चाहिए तो, लेकिन बॉटल होल्डर्स नहीं है और कोई अलग से स्टोरेज स्पॉट्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आपको खलेगी वो ये है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन टॉप एंड मॉडल हो, बेस मॉडल हो, थर्ड रो में AC वेंट्स नहीं है।
चलिए अब इनोवा के थर्ड रो के बारे में बात कर लेते हैं और फंडा सेम है, फिर से ड्राइवर सीट सेट एट समवन हु इज 5'8", तरुण इन द बैक सीट और मैं बीच में। अब आपको कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर बता देते हैं कि सबसे पहली बात, अगर आप ये कैप्टन सीट वर्जन चुनते हैं तो फिर दोनों तरफ आपको वन टच टंबल फॉरवर्ड सीट मिलते हैं, जहाँ पर स्कॉर्पियो में वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे, नॉट अ डिसएडवांटेज जस्ट अ डिफरेंस। और चाहो तो यहाँ पर भी आप दोनों सीट्स के बीच में से चल के थर्ड रो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक बेनिफिट यहाँ पर यह है कि सेकेंड रो में मेरे हाइट जितना लंबा हो और ज़्यादा जगह की जरूरत हो तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन चाहो तो मैं थोड़ा सा और आगे लेकर एक ज्यादा बैलेंस्ड ड्राइविंग या सीटिंग पोजीशन यहां पर अपने लिए ला सकता हूं, थर्ड रो का कंफर्ट भी उस हिसाब से मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो तरुण, इज द इनोवा डूइंग बेटर इन द थर्ड रो ऑन ऑल काउंट्स कंपेयर्ड टू द स्कॉर्पियो एंड व्हाई? इनोवा ओवरऑल इसका सेंस ऑफ स्पेस काफी बेहतर है स्कॉर्पियो से। यहां पे मैं कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही जो स्कॉर्पियो में बेहतर होगी। यहां पे सीट हाइट भी, यहां पे सीट का जो बैकरेस्ट है वो भी काफी अच्छा है, सीट का जो सीट्स जो बेस है वो भी काफ़ी बड़ा है, अंडर थाई सपोर्ट ऑफ कोर्स बेहतर है उससे, एंड इधर भी ऑलमोस्ट नीज टच हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ लेकिन इसका जो स्पेस है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है उससे। सो अगर आपका रेगुलर यूसेज है तो हैंड्स डाउन इधर मेरे जैसे एवरेज साइज एडल्ट भी बैठ सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो या सिटी में। और यहाँ पर बात सिर्फ सेंस ऑफ स्पेस और स्पेस की नहीं है, अमेनिटीज़ की बात करें तो भी यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा में एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल, आपको बॉटल रखने के लिए जगह दोनों तरफ मिल जाता है, एक कोई चार्जिंग पॉइंट तो नहीं दिया हुआ है, बट यस यू डू हैव स्टोरेज स्पेसेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थर्ड रो एसी वेंट्स यहाँ पर आपको इनोवा क्रिस्टा में मिल जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा मिस है फ्रॉम द स्कॉर्पियो। अब सेकेंड रो एक्सपीरियंस में दोनों गाड़ियों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी है और काफ़ी सिमिलैरिटीज भी। अब शुरू करते हैं बेसिक सीटिंग पोजीशन के बाद, और यहाँ पर स्कॉर्पियो में आपकी डिफॉल्ट सीटिंग पोजीशन काफ़ी ऊंची है, तो इट इज़ अ लॉट मोर कमांडिंग, अ लॉट टॉलर, तो अगर आपको वो ज़्यादा पसंद है तो स्कॉर्पियो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। दोनों में सेंस ऑफ स्पेस बहुत ही अच्छा है, विंडो और ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, तो आपको एक ग्रेट और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस मिल जाता है कैबिन के अंदर। अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी 19-20 का ही फर्क है, बैकरो सपोर्ट दोनों में मोर ऑर लेस सेम है, रिक्लाइन एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, और हालांकि इनोवा क्रिस्टा में आप स्लाइड एडजस्ट कर सकते हैं सेकेंड रो को विद द सीट ऑल द वे बैक, नीरो मोर ऑर लेस स्कॉर्पियो जितना ही आपको मिलने वाला है। फर्क यह है कि अंडर थाई सपोर्ट जो है वो इनोवा क्रिस्टा में थोड़ी और अच्छी है, और अगर हेडरूम की बात करें तो फिर वो स्कॉर्पियो में थोड़ी और अच्छी है। मेन डिफरेंस आपको कहां पर दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा अमेनिटीज और प्रैक्टिकलिटी के मामले में। फॉर एग्जांपल, स्कॉर्पियो में अमेनिटीज के तौर पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं नीचे इंटीग्रेटेड, स्पेशली कंसिडरिंग थर्ड रो एसी वेंट्स नहीं है, तो अगर पिलर्स या फिर रूफ पे माउंटेड होते तो फिर बेहतर होता। यहाँ पर आपको ब्लोअर स्पीड कंट्रोल मिल जाता है, एक टाइप सी यूएसबी चार्जर भी है एंड सीट बैक पॉकेट्स, बट दैट्स अबाउट इट। और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो वहां पर आपको एक 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाता है इन द डोर पॉकेट्स, लेकिन यहां पर स्पेशली 6 सीटर मॉडल में कोई भी कप होल्डर नहीं है, जो आपको 7 सीटर मॉडल में आर्मरेस्ट के अंदर इंटीग्रेटेड मिल जाता है। इनोवा क्रिस्टा में अमेनिटीज के तौर पे आपको फोल्ड आउट ट्रे मिल जाता है विद एक कप होल्डर इन ईच ट्रे, यहां पर बीच में भी आपको कप होल्डर मिल जाता है, ब्लोअर स्पीड कंट्रोल है फॉर द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एम्बियंट लाइटिंग है, और डोर पॉकेट्स में भी स्टोरेज स्कॉर्पियो से कई गुना बेहतर है। अब फ्रंट रो एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो यहां पर वो एमपीवी वर्सेस एसयूवी वाले डिफरेंसेस आसानी से समझ आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो है आपको वो टिपिकल ओल्ड स्कूल एसयूवी वाली ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती है। यानी क्या, डैशबोर्ड का ओवरऑल साइज थोड़ा छोटा है, विंडशील्ड के काफी करीब आप बैठ जाते हैं, और एक तरीके से पुराने टाटा सफारी जैसी ड्राइव एक्सपीरियंस यहां पर आपको मिल जाएगी, काफी कमांडिंग और टफ ड्राइविंग पोजीशन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ग्रेट व्यू ऑफ द रोड अहेड, आपका जो स्टीयरिंग हाईएस्ट सेटिंग पर भी है वो भी इट इज़ इन लाइन विद द बॉनेट, तो आपको एक बहुत ही रोड का राजा वाला फीलिंग यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर इनोवा में आप थोड़े और टक्ड इन है कैबिन के अंदर, तो वो ओल्ड स्कूल एक्सपीरियंस अगर आपको बेहतर लगता है तो फिर स्कॉर्पियो एंड डेफिनेटली आपको ज़्यादा पसंद आएगी। अब क्वालिटी की बात करें तो इस नए जनरेशन यानी स्कॉर्पियो एन के साथ काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लाए गए, तो प्लास्टिक की जो ओवरऑल क्वालिटी है यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट टच और लेदरेट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है ऑन द डोर पैड्स, ऑन द डैशबोर्ड, ऑन द आर्मरेस्ट, इन द सेंटर कंसोल, हर एक जगह पर अब ये गाड़ी काफी प्रीमियम लगती है। बट अगर हम क्वालिटी और टच एंड फील एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो यस, द स्कॉर्पियो एन लुक्स मोर प्रीमियम, लेकिन अगर हम टच एंड फील और कंपोनेंट क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो वहां पर अब भी इनोवा क्रिस्टा के पास एक छोटा सा एज जरूर है। स्टोरेज स्पेसेस के मामले में भी इनोवा क्रिस्टा एक कदम आगे है,
डोज में 3 1 लीटर बॉटल्स फिट हो जाते हैं और बीच में एक 1 लीटर बॉटल की जगह है। दोनों फ्रंट ऑक्यूपेंट्स को वेंट्स के सामने कप होल्डर्स मिलते हैं, सेंटर कंसोल में चाबी, वॉलेट, टिश्यूज वगैरह रखने की जगह है और इनोवा में ग्लव बॉक्सेस 2 है। स्कॉर्पियो एन के डोर पॉकेट्स में 1 लीटर बॉटल और कुछ छोटे मोटे चीजों को रखने की जगह है। गियर लीवर के सामने वायरलेस फोन चार्जर यानी फोन स्टोरेज एरिया है। आर्मरेस्ट के नीचे वॉलेट और चाबी रखने की जगह है और डॉक्यूमेंट्स या टिश्यूज रखने के लिए एक स्मॉल साइज्ड ग्लव बॉक्स। अब एक जमाना था जब स्कॉर्पियो की फीचर्स लिस्ट बेसिक थी, लेकिन स्कॉर्पियो एन में मॉडर्निटीज काफी है। नो सस्पेंस, ज्यादा वाओ फीचर्स आपको स्कॉर्पियो में ही मिलेंगे। सनरूफ और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे यूनिक फीचर्स तो है ही, लेकिन कॉमन फीचर्स में भी स्कॉर्पियो एन के कुछ एडवांटेजेस है। स्कॉर्पियो एन की 12 स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम इनोवा क्रिस्टा के 6 स्पीकर सिस्टम से बेहतर है। 8 इंच का टच स्क्रीन दोनों में मिलता है, पर यूजर इंटरफेस स्कॉर्पियो एन की थोड़ी और मॉडर्न लगती है। हालांकि ये जरूर कहना पड़ेगा कि दोनों के इंफोटेनमेंट सिस्टम्स कोई बेंचमार्क सेट नहीं करते, बात चाहे रेजोल्यूशन की हो या स्मूथनेस ऑफ यूज की। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल का अपने दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है, पर स्कॉर्पियो एन के हायर वेरियंट्स में ये वायरलेसली कंपैटिबल है। हाँ, एक बात, स्कॉर्पियो एन के इंफोटेनमेंट स्क्रीन सॉफ्टवेयर को कुछ समय बाद अपडेट किया जाएगा, तब एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल का अपने फंक्शनैलिटीज एक्टिवेट होंगे। दैट बीइंग सेड, इनोवा के अपने यूनिक फीचर्स भी है जिनमें फोकस फंक्शनैलिटी पर है। वन टच पावर विंडो सभी पैसेंजर्स को मिलती है, एम्बियंट लाइटिंग है, टिल्ट और रीच स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मिलती है जहां स्कॉर्पियो एन में सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, एंड ऑफ कोर्स थर्ड रो एसी वेंट्स जो स्कॉर्पियो में नहीं दी है। एक नजर फीचर्स हाइलाइट्स पर। सेफ्टी के मामले में दोनों की पैकेजिंग स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो में 2 एयरबैग स्टैंडर्ड है और इनोवा में 3, और टॉप एंड मॉडल्स में स्कॉर्पियो के हैं 6 एयरबैग्स जहां इनोवा क्रिस्टा में मिलते हैं 7। एबीएस विद ईबीडी और रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों में मौजूद है, और जहां इनोवा में रियर कैमरा की सुविधा है, स्कॉर्पियो एन में फ्रंट कैमरा भी मिलता है। हिल स्टार्ट असिस्ट और स्टेबिलिटी कंट्रोल इनोवा में स्टैंडर्ड है, जहां ये स्कॉर्पियो के 1 अबव बेस Z4 ऑटोमेटिक वेरिएंट ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। अब राइड क्वालिटी के मामले में आपको एक चीज बताना जरूरी है, और वो ये है कि दोनों के साथ आपको बेहतरीन बम्प अब्सॉर्प्शन मिल जाता है। तो खराब रास्ते जितने भी खराब क्यों ना हो जाए, आपको ब्रेक पर पैर नहीं रखना पड़ेगा, आपको इतनी अच्छी बम्प अब्सॉर्प्शन मिल जाती है दोनों के साथ में। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी स्पेशली इस नए जनरेशन स्कॉर्पियो एन के साथ बहुत ही अच्छी है। तो फिर 100-120 की रफ्तार आप दोनों में बहुत ही आराम से पकड़ सकते हैं, फुल लोड परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है। एक डिफरेंस जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि स्कॉर्पियो की सस्पेंशन सेटअप इनोवा के मुकाबले थोड़ी और स्टिफ है। तो दोनों गाड़ियों में आपको स्मूथ रोड्स पर भी थोड़ा सा ये साइड टू साइड टॉसिंग महसूस होता है, लेकिन क्योंकि इसकी सस्पेंशन सेटअप थोड़ी और स्टिफ है, सरफेस चेंजेस आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो कंफर्ट और स्टेबिलिटी के मामले में फर्क सिर्फ 19-20 का है, लेकिन द स्कॉर्पियो डज फील जस्ट दैट लिटिल बिट स्टिफर। ड्राइव एक्सपीरियंस की बात हो तो स्कॉर्पियो के काफी एडवांटेजेस है। इस कंपैरिजन में दोनों गाड़ी डीजल ऑटोमेटिक है, और स्कॉर्पियो का सबसे पहला बेनिफिट है रिफाइनमेंट। चाहे बात नॉइस कंट्रोल की हो या वाइब्रेशन रिडक्शन, दोनों में स्कॉर्पियो एन ज्यादा पॉलिश लगती है। पावर और टॉर्क तो स्कॉर्पियो एन में ज्यादा है ही, लेकिन फुल लोड के साथ भी यूजेबिलिटी दोनों में बेहतरीन है। पर हाँ, पावर डिलीवरी और गियर शिफ्ट स्मूथनेस फिर से स्कॉर्पियो एन में बेहतर है। जनरल ड्राइव एक्सपीरियंस भी महिंद्रा में ज्यादा आसान है। स्कॉर्पियो एन की स्टीयरिंग ट्रैफिक में या यूटर्न्स लेते वक्त बहुत ही लाइट और इजी है, और वही हाईवे पर प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट। इनोवा क्रिस्टा में स्टीयरिंग कंपैरेटिवली स्लो है और हैवी भी, जो खासकर यूटर्न्स लेते वक्त दिक्कत बन सकती है, पर हाईवे पर यही स्टीयरिंग फील कमाल की लगती है। और इनोवा आज भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स पर रोड की राजधानी एक्सप्रेस है। ओवरऑल स्कॉर्पियो एन में ड्राइव एक्सपीरियंस ज्यादा यूजर फ्रेंडली और स्पोर्टी है, जहां इनोवा क्रिस्टा में ये थोड़ी और ओल्ड स्कूल लगती है। अब यहां पर वैल्यू फॉर मनी आर्गुमेंट थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा के बढ़ते प्राइसेस इनके खरीदारों के लिए कभी भी एक पाबंदी बनी ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इनोवा क्रिस्टा के टॉप एंड ZX मैनुअल को स्कॉर्पियो के Z8L मैनुअल के साथ कंपेयर करेंगे, तो प्राइस डिफरेंस, वेल, द इनोवा क्रिस्टा इज ऑलमोस्ट ₹5 लाख मोर एक्सपेंसिव। पर इसकी टाइम टेस्टेड रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस कॉस्ट, रीसेल वैल्यू और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए लोग इनोवा इनोवा है कह के हाई प्राइसेस को भी स्वीकारते हैं। पर ये बात एक तरफ,
इनोवा क्रिस्टा अब भी फैमिली फ्रेंडलीनेस, स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में बेहतर है। यस, महिंद्रा स्कॉर्पियो साइज के साथ एक कंफर्टेबल और अच्छी फैमिली कार जरूर है, लेकिन इस मामले में द इनोवा क्रिस्टा इज जस्ट बेटर। पर जब हम फीचर्स, ड्राइव सोफिस्टिकेशन, ड्राइव एक्सपीरियंस, ईज ऑफ ड्राइविंग को ध्यान में रखें और तब महिंद्रा स्कॉर्पियो के स्पेस और कंफर्ट को ध्यान में रखें, तब ये जरूर कहना पड़ेगा कि द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इज अ किलर वैल्यू प्रोपोजिशन। तो ये था हमारा कंपैरिजन रिव्यू ऑफ द टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एंड द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को खरीदने के पहले अपने पुरानी यूज्ड कार को बेचना चाहते हैं तो डू ट्राई कार, देखो, भरोसा करके देखो।